stories, I'm a fool for your love. Hi guys, welcome back to my channel. I'm back with another vlog and I hope all of you guys are doing extremely well. So today is the last day of Kokan series and those who are new, matlab jo aaj hi dekh rahe hai ye vlog. So I have uploaded a few vlogs of Kokan series, so you can watch it as well. So I am right now in Malvan aur abhi सुबह के 9:30 बजे है. पहले हम जाएंगे नाश्ता करने, उसके बाद यहाँ पे जो फोर्ट है सिंधुदुर्ग फोर्ट और 2-3 बीच है वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो गाइज एंड आई होप यू विल एंजॉय वॉचिंग इट. जैसे मैंने बोला कि हम आए हैं रेस्टोरेंट में अभी सुबह का नाश्ता करने और हम खाने वाले ऑथेंटिक कोकणी डिश जो कि घावणी और आंबोड़ी होती है. अब आंबोड़ी तो डोसा टाइप ही होता है और घावणे उसका ही थोड़ा स्लिमर वर्जन होता है. इन शॉर्ट मैं आपको दिखाती हूँ वो दिखता कैसे है. और आप लोगों को ये जो गलियाँ है वो देख के कुछ याद आ रहा है, कौन से ट्रैवल ब्लॉग में था ये. गोवा की, मतलब गोवा भी यहाँ से इतना दूर नहीं है बट सेम गोवा की वाइब है यहाँ पे. ये जो रोड है वैसे ही गोवा में भी है, दोनों साइड पे जो कलर्ड वॉल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह निकालते हैं वगैरह, वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे. तो अभी हम जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट और मुझे ना ज़्यादा ऐसा फोर्ट वगैरह रहेगा ना तो बहुत पसंद आता है क्योंकि वो वीडियो भी अच्छा बनता है और मतलब टैन होने को भी नहीं लगता क्योंकि मैं एक ऐसा माउंटेन पर्सन हूँ. मुझे बीचेस पसंद है सिर्फ घूमने के लिए, वो पानी में डुबकी लगा के बाल मेरे ख़राब करना, कपड़े ख़राब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ऐसे ही वहाँ पर रील निकालने के लिए या ऐसे ही नाचने के लिए वगैरह ठीक है बट बाकी मुझे इतना पसंद नहीं है. सो आई एम अ माउंटेन पर्सन यूजुअली. बट आप लोग कौन हो वो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप बीच पर्सन हो या माउंटेन. तू कौन सी पर्सन है? मैं बीच पर्सन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत शांत लगता है मुझे बीच में. हाँ शांत लगता है, फिर घर आने के बाद बोलती है अरे सनस्क्रीन लगाया फिर भी इधर भी टैन है. इधर टैन दो बार करो तो निकल जाएगा. हाँ, कुछ नहीं, दो महीने बाद भी. उस दिन गए थे अभी तक मेरा रंग नहीं आया है. तू ऐसे दिखती है फिर मेरा देख अभी इधर ही कलर बाकी है. इतना झूठ बोलती है, अभी बोल रहे बीच पर्सन. अभी देखते है ना बीच में डुबकी लगाने के बाद कितने दिन रोने वाली है ये बाद में. अब हम पहुंच गए हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट के लिए. यहाँ से जेट्टी पकड़नी पड़ती है इसीलिए पीछे पीछे वो है. पर यहाँ पे जेट्टी के लिए 25 लोग चाहिए और वो लोग ना टिकट दे रहे हैं जब तक 25 लोग कंप्लीट नहीं होते, ना वो जेट्टी में तब तक मतलब बैठने दे रहे हैं, यहाँ पे ही खड़े रहने का जब तक 25 लोग आते नहीं. तो इसमें टाइम जाएगा. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर तो थोड़ा बहुत ऐसा टाइम का मैनेजमेंट या टाइम का कैलकुलेशन करके आओ, इतना ही बोलूँगी. तो 25 बोल के 50 से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है. ये देखो और इसकी 100 रुपीज़ फेयर है. तो ये जेट्टी बेसिकली जो सिंधुदुर्ग फोर्ट है वहाँ पहुँचने के लिए है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लिया है. ये 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है और अंदर फोर्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा तो जाता है, तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके आ सकते हैं. Thank you.
वाली प्लेस मिल गई। तो अभी यहाँ पे सामने एक टनल है, मैं आपको दिखाऊंगी। यूजुअली एक मंदिर है, उसके अंदर एक टनल टाइप है जो एक सीक्रेट रास्ता है अंदर से जाने के लिए डायरेक्ट किले में, मतलब जो हमने स्टार्ट किया था ना वो, मतलब जब एनिमी आएगा तब उसको पता नहीं चलेगा, इस हिसाब से ये बनाया गया है। जो फोर्ट है वो मालवण बीच के पास ही है और इसे सिंधुदुर्ग फोर्ट बोला गया है, जो 17th और 18th सेंचुरी अप्रोक्सीमेटली शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से उन्होंने ये बांधा है, उनके मालवण किनारा ये जो है वो सेफ करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे पूरा पानी है, एकदम कॉर्नर पे आ गई हूँ मैं, ये देखो, और इतने जोर से और फोर्स से वो पानी जा रहा है कि मेरे ऊपर भी उड़ रहा है, मतलब सोचो। पर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ये फोर्ट बांधा गया है ना कि इतना पानी का प्रेशर होके भी ये फोर्ट इतने अच्छी तरीके से इतने सालों बाद भी मेंटेन है। पानी का आवाज़ सुनो, मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये देखो, ओह माय गॉड। और अभी जो पानी क्लैश हुआ उसका मेरे पैर पे भी पानी आया। और अगर कोई रिलेटिव देख रहा है तो प्लीज़ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, प्लीज़ मम्मी को कॉल मत करो कि स्मृति कहीं कहीं पे जाती है, खड़ी रहती है और लाइफ डेंजर में डालती है वगैरह, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो क्योंकि उसके बहुत मतलब इंटेंस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेरे घर में। तो प्लीज़ अगर कुछ होगा तो मुझसे बात करो प्लीज़। अब इंसल्ट लेवल ओपी दिखा दी, ये पढ़ो। तो अभी फोर्ट से रिटर्न आने के बाद यहाँ पे एक फ़िश स्पा अवेलेबल है, वो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो फ़िश है उनका नाम है डॉक्टर फिश। तो वो 50 रुपीज़ के लिए 5 मिनट के लिए है यहाँ पे, तो मैं वो ट्राई करने वाली हूँ। फिश तो कुछ भी नहीं खा रहे, उनको मेरा पैर पसंद नहीं आया शायद। तो अब हम जहाँ से आए, मतलब वो सिंधुदुर्ग फोर्ट, वहाँ से जो जेट्टी मिलती है वहाँ पे स्कूबा डाइविंग और पैरासेलिंग वगैरह भी होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो वाटर स्पोर्ट्स में तो आप लोग वो भी कर सकते हो, बट सिंस मैंने पहले अंडमान में किया था वो, तो मैंने वो फिर से ट्राई नहीं किया, क्योंकि अंडमान के हिसाब से यहाँ पे जो मालवण में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं। सो दैट इज़ माई एडवाइस टू यू गाइस। तो अभी बज चुके हैं 3 और अब हम नेक्स्ट बीच पे आ गए हैं जो कि देवबाग बीच है, और इसमें फिर से बोट टाइप ही है और अलग अलग पॉइंट दिखाए जाएंगे, तो मैं आपको वीडियो थ्रू दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं इतने पॉइंट्स घूमी कल से, पर फिर भी मुझे वो जो कल का पवन चक्की वाला गार्डन था ना वो बेस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पर एंट्री फ़ी भी नहीं है और वो ऐसा देखने लायक भी है। तो मैं तो वही पहले आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वहाँ पे जाओ, और मैंने कल के ब्लॉग में उसके पूरे डिटेल्स और वो कैसे दिखता है वहाँ पे और क्या क्या है वो भी बता दिया है। सो इफ़ यू गाइज हैव नॉट चेक दैट ब्लॉग देन यू कैन गो देयर एंड वॉच एज वेल। अंडर वाटर था, तो 2005 में यहाँ पे सुनामी आई थी, इसके कारण ये पूरा जो अंडर वाटर था वो ऊपर आ गया और फिर इसका आइलैंड बन गया, इसीलिए
सुनामी आइलैंड नाम दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गाइड हूँ आप लोगों की और हर जगह मैं बता रही हूँ आपको, मैं जहाँ पे विजिट कर रही हूँ इस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ हिस्ट्री जाननी है वो फोर्ट के बारे में वगैरह भी, तो आप यहाँ आके सिंधुदुर्ग फोर्ट वगैरह का गाइड ले सकते हो या फिर गूगल बाबा तो है ही हमारे पास। और मैं ना आप लोगों को एक क्विक टिप देना चाहूँगी कि ये ना मत करो, मतलब जो बोट राइड है ना मालवण की, अभी जो मैंने किया देवबाग से, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो मत करो, इतना ज़्यादा बकवास है और टाइम वेस्ट है कि अब बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि पैसे जा चुके हैं, क्योंकि डॉल्फिन तो दिखते नहीं। और एक यहाँ पे है, उसने बोला मुझे कि ये लोग स्कैम करते हैं डॉल्फिन के नाम पे। एक फ़िश है जो डॉल्फिन के सिमिलर दिखता है, ये लोग सब इन हम लोग को पागल बनाते हैं कि वो डॉल्फिन है, और वो फिश भी नहीं दिखा पहली बात तो, पर ये स्कैम है यहाँ पे, इसके चंगुल में मत फंसना, इतना ही बोलूँगा। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट बीच कौन सा है, जो कि इंडिया में ही है? आई विल गिव यू अ हिंट, नहीं पता। इट इज़ द तारकर्ली बीच इन मालवण एंड आई एम योर ऑन दैट बीच। फर्स्ट बीच राधानगरी है, मतलब फर्स्ट क्लीनेस्ट बीच, जो कि अंडमान में है, वो भी एक नंबर है। और अभी ये सेकेंड वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट बीच पे आई हूँ मैं, और अभी आपको दिखाती हूँ ये बीच दिखता कैसे है। आँख बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 6:30 और 6:30 को हमको निकलना है। बट हमारे दो स्पॉट यहाँ के रह गए, एक तो टेम्पल था बट सेकेंड रॉक गार्डन जो हम रहते हैं वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। तो ये चिवला बीच का एरिया है, उसके पास ही रॉक गार्डन है, सो उसको इवनिंग टाइम पे विजिट करना मत भूलना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट हमारा अभी टाइम के शॉर्टेज के वजह से नहीं हो पा रहा है वो, सो हम नहीं जा रहे वहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड वी कम टू द एंड ऑफ आर कोकण सीरीज। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई कोकण सीरीज। आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट, आई लर्न अ लॉट एंड आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट एज वेल। सो होप यू गाइज हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस सीरीज, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Also, guess the place of my next travel vlog. It will be coming soon, in a week or so. So get excited for that. I am super excited क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा travel vlog होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। Bye guys, thanks for watching.